जयराम जी भाई, बालाराम भाई, का कर रहे हो? बीज निकाल रहे भाई। काय किलान बीज अंकुरण परीक्षण के? तुम कहाँ से आ भैया? भैया मैं मालनवाड़ा से आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार। आपका नाम? मेरा नाम बालाराम भैया। अच्छा भैया, का कर रहा है? बीज अंकुरण जांच के लिए बीज निकाल रहा है। क्यों कर रहे हो? बीज मात्रा निर्धारित करने के लिए बीज का जांच कर रहे हैं। क्या बीज परीक्षण कैसे करते हैं? चलो भैया हम बताते हैं। भैया बीज परीक्षण के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है? बोरी की जरूरत पड़ती है भैया, पानी की, और बीज के सौदाने, भैया पानी की काय के लिए जरूरत पड़ती है? पानी बोरी गीला करने के लिए। इसमें से सौदाने निकाल के गीले बोरे पे जमा रहे हैं। ये लाइन से क्यों जमा रहे हो? इन्हें गिनने में आसानी हो जाती है। सौ दाने लाइन से बो दिए भैया, हम इसको आधा बोरा ढाँकते हैं। अब इसको दो तीन दिन बाद देखेंगे। भैया बीज परीक्षण से क्या क्या फायदे होते हैं? बीज की जांच होती है अच्छा या खराब, बीज की मात्रा निर्धारित होती है, लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है। भैया एक एकड़ में कितना बीज बोएंगे? एक एकड़ में 30 किलो बीज बोते हैं भैया। भैया सौदाने में से कितना बीज उगना चाहिए? सौदाने में भैया कम से कम 70 दाने तो उग गए। भैया किसानों को क्या संदेश देना चाहते? मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, सभी किसान भाई बीज जांच करके बोएं, इससे पौधा स्वस्थ बनता है और उत्पादन बढ़ता है। भैया जयराम जी की आपने बीज परीक्षण के बारे में बताया, हम आशा करते हैं कि सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इससे फायदा लें। जय राम जी, जय राम।